किसी तरह का अपराध करने वाले को सजा अब भी दी जाती है। वैसे दुनिया के कई देशों में अब भी बहुत खौफनाक सजाएं दी जाती है, लेकिन ज्यादातर देशों में भयावह सजाओं पर रोक है। प्राचीन काल और मध्य काल में सजा के और खौफनाक तरीके अपनाए जाते थे। प्राचीन काल में दुनिया भर के हर देश के पास अपने अपने मृत्यु दंड देने के रचनात्मक तरीके थे। इन तरीकों में अपराधियों को मारने से ज्यादा लंबे समय तक पीड़ित रखने का विचार किया जाता था। यह हम बात करने वाले हैं प्राचीन काल में अपराधियों को दी जाने वाली ऐसी 10 सजाओं के बारे में जो अब दुनिया में पूरी तरीके से बंद कर दी गई है, लेकिन इतिहास में यह सजाएं आज भी अपना बहुत महत्व रखती है। आइए आज उसमें से कुछ खौफनाक सजाओं के बारे में जानते हैं। जिंदा दफनाना। हम सभी ने मौत के बाद दफनाने के बारे में तो सुना ही होगा, पर प्राचीन काल में ऐसे ही लोगों को सजा के प्रारूप में जिंदा दफनाया जाता था। यह सजा सुनते ही रूह कांप जाती है। यूरोपियन देशों में 15वीं सदी में यह सजा सबसे ज्यादा आम थी। यह सजा जैसे ही प्रचलन में आई, तब से यूरोपियन देशों में जुर्म करने वालों के मन में काफी खौफ का माहौल था। इसमें अपराधियों को एक कफन में जिंदा बंद कर दिया जाता था और कफन गुफा में या जमीन के अंदर गाड़ दी जाती थी। इसके बाद वह दम घुटने के वजह से उसकी तड़प तड़प के मौत हो जाती। ताबूत के अंदर से अपराधी के चीखने की आवाज को दफनाने के बाद बाहर से साफ सुना जा सकता था, जिससे यह पता चलता था कि वह अंतिम वेदनाएं झेल रहा है। सजा का यह प्रारूप काफी भयावह मालूम पड़ता है, जो आज भी इतिहास के पन्नों में साफ साफ इंसानी क्रूरता का उदाहरण देता है। पहियों से बांध कर मौत। यह सजा सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो भगवान भी शायद किसी को ना दे। इस तरीके की सजा भी मध्यकाल में काफी प्रचलित थी। सजा का यह तरीका भी काफी दर्दनाक माना जाता है, क्योंकि यह मौत इंसान को धीरे धीरे दी जाती थी, जिसका कारण मौत तो आती थी पर बहुत यातनाएं आने के बाद। सजा पाए इंसान को लकड़ी के पहिए में बांधकर घुमाया जाता था, जिसके चलते धीरे धीरे उसकी हड्डियां टूटने लगती और इंसान दर्दनाक मौत मर जाता। सजा का इतना भयंकर प्रमाण देखकर तो दिल दहल जाता है। हालांकि सजा पाने वाले पात्र को ही पता होगा कि इस सजा से कितना त्रास होता है। अगर आज भी ऐसी सजाएं दी जाती तो शायद ही कोई अपराधी जुर्म करने को सोचता। आखिर ऐसी सजा का पात्र कौन बनना चाहेगा? पीतल का बैल। दोस्तों, किसी जिंदा इंसान को जलते देख शायद ही किसी की इच्छा होगी, या कोई हैवान ही होगा जो किसी के साथ ऐसा बर्ताव करेगा। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे प्राचीन इतिहास में पहले ऐसा ही कुछ सजा के नाम पर अपराधी को दंडित किया जाता था। ब्रेजन बुल का आविष्कार सिसिली में हुआ था, इसलिए इसको सिसिलियन बुल भी कहा जाता है। सजा के इस तरीके का इजाद ग्रीस में हुआ था। यह सजा कुछ इस तरीके से दी जाती थी कि हूबहू बैल जैसा पीतल की एक आकृति बनाई जाती थी। उस आकृति के अंदर सजा पाए इंसान को बड़े ही दयनीय तरीके से डाल दिया जाता था। सजा का यह तरीका यही नहीं रुकता, इसके बाद आकृति के नीचे आग लगा दी जाती थी, फिर पीतल के बैल को तब तक गर्म किया जाता जब तक अंदर का इंसान भून ना जाए। यह तक पहुंचने के बाद अपराधी के चीखने की आवाज बाहर से साफ सुना जा सकता था, जो उस समय के लोग शायद ही भूले होंगे।
इस उपकरण के अंदर ऐसा सिस्टम होता था कि सजा पाए इंसान की चीख बैल की आवाज में बदल देता था। हाथी से कुचलकर मौत की सजा देना प्राचीन भारत में दंड का काफी प्रचलित तरीका माना जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों में भी इस तरीके की सजा दी जाती है। सजा पाए आरोपी को एक जगह पर लाया जाता है जहां बड़ी संख्या में लोग जमा होते थे। लोगों की हत्या करने या टॉर्चर करने में प्रशिक्षित हाथियों को लाया जाता था। हाथी को उस इंसान को कुचलने के लिए बाद में छोड़ दिया जाता था जो आखिरकार अपराधियों के मौत का कारण बनता। क्रूसिफिकेशन या सूली पर चढ़ाया जाना। क्रूसिफिकेशन मौत की सजा का एक तरीका है। यह सजा का तरीका प्राचीन काल से ही काफी प्रचलित और काफी वेदनाओं भरा जाना जाता है। इस सजा को पहले लोगों को डराने के वास्तव से किया जाता था, परंतु लोगों का इसके प्रति भय निर्माण होने लगा और फिर अपराधी को यह दंड देना चालू कर दिया गया। लकड़ी के क्रॉस के साथ मुजलिम को बड़ी क्रूरता के साथ बांध दिया जाता था, जो फिर उसे खुले में छोड़ दिया जाता। खुले में छोड़ने का कारण सिर्फ और सिर्फ लोगों के प्रति भय निर्माण करना रहता था। भूख प्यास से वह तड़प तड़प कर वही लकड़ी के क्रॉस पर ही मर जाता था। मध्यकाल में किसी तरह का अपराध करने वाले या शासकीय वर्ग का विरोध करने वाले लोगों को ऐसी ही सजा दी जाती थी। इससे दूसरे लोगों के दिल में भी खौफ पैदा होता और वे किसी तरीके का अपराध करने से डरते थे या फिर शासकीय वर्ग के खिलाफ जुबान खोलने से हिचकते थे। हाल ही में 20वीं शताब्दी के रूप में दुनिया के कुछ हिस्से में क्रूस पर चढ़ाई का उपयोग किया गया था। अंगों के टुकड़े करने की सजा। यह सजा देने वाले व्यक्ति इतिहास के सबसे बड़े हैवान और क्रूर व्यक्ति कहलाए गए थे। यह इतिहास के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक सजाओं में से एक माना जाता है। इस सजा में कुछ लोगों को चुना जाता है जो मुजरिम के शरीर को टुकड़े करने के लिए वहां उपस्थित रहते हैं। दरअसल उचित स्थान पर मुजरिम के शरीर के टुकड़े किए जाते हैं जो अंतिम त्रासदायक होते हैं। एक एक शरीर का अंग बड़ी ही क्रूरता के साथ काटा जाता है। उसकी मौत धीरे धीरे हो इसलिए पहले शरीर के मांस को काटा जाता था, फिर शरीर के अंग निकाले जाते और अंत में धारदार हथियार से उसका गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी जाती थी। इसमें आमतौर पर अंग काटने के दौरान ही व्यक्ति की मौत हो जाती थी। ऐसी मौत देखकर शायद ही कोई उस वक्त अपराध करता होगा। रैक टॉर्चर यह एक आधुनिक मशीन थी जो अपराधियों को कड़ी सजा देने के लिए बनाया गया था। इतिहास में शायद ही इससे पहले ऐसा कोई आधुनिक यंत्र सजा देने के लिए बनाया गया होगा जो इंसान को इतनी क्रूरता से मारता होगा। लंदन में एक रैक टॉर्चर टावर पर सेट कर दिया जाता था। उस रैक से इंसान के शरीर के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग जगह बांध दिया जाता था और फिर ऊंचाई पर लटका दिया जाता। रैक को फिर तेजी से तब तक घुमाया जाता था जब तक इंसान की हड्डियां टूट नहीं जाती और फिर धीरे धीरे इंसान के टुकड़े होने लगते थे। इसमें इंसान के पैर, हाथ, कंधे तथा सिर आदि सब अलग अलग टुकड़ों में कट जाते। आज भी रैक टॉर्चर पर मौजूद वह खून के धब्बे उसके असहाय होने का प्रमाण देते हैं। गिलोटिन। इस यंत्र का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर रखा गया था। यह दो खंभों के बीच लटकता आरेख वाला यंत्र है। इसमें एक इंसान को एक तख्ते पर लटका दिया जाता था।
और फिर ऊपर से एक धारदार ब्लेड गिरता, जो एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। कहा जाता है कि इसमें मरने वाले को तो कम दर्द होता था, लेकिन देखने वालों की रूह कांप जाती थी। जर्मनी, इटली, स्कॉटलैंड और फ्रांस में कुलीन अपराधियों के लिए पहले से ही सिर काटने वाले उपकरण का इस्तेमाल किया जा चुका है, जिसमें यह उपकरण को बड़े संस्थागत पैमाने पर कभी नहीं अपनाया गया था। रैक किलिंग की सजा। इसमें एक इंसान को एक रैक पर लिटा दिया जाता था, उसके दोनों हाथ पैर अलग अलग रस्सियों से बांध दिए जाते थे, फिर रस्सी को तब तक खींचा जाता जब तक उसके हाथ पैर पूरी तरह अलग नहीं हो जाते। इस सजा में उस समय अपराधी को तड़पते आसानी से देखा जा सकता था। उस समय रस्सी को खींचने का काम जानवर या इंसानों द्वारा ही किया जाता था। इतिहास में आज भी रैक किलिंग की सजा को काफी कष्टप्रद माना जाता है। नुकीले खंभे में बांध कर मौत। यह सजा का प्रारूप अपराधी को जीते जी खून के आंसू रुलाता था। शायद ही आज कोई देश की सत्ता अपने किसी अपराधी को ऐसी सजा देना चाहेगा। 15वीं सदी में रोमानिया में अपराधियों को नुकीले खंभों से बांध दिया जाता था, फिर धीरे धीरे खून से लथपथ इंसान नीचे आता और खंभे की नोक उसके शरीर में धीरे धीरे दयनीय तरीके से घुसती चली जाती थी। इससे इंसान को मरने में 3 से 4 दिन लगते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार तो सामूहिक सजा के दौरान 20,000 लोगों ने वही बैठकर दावतें भी उड़ाई थी। तो दोस्तों, प्राचीन समय में यह 10 सजाएं सबसे क्रूर और दर्दनाक मानी जाती थी। हालांकि सामाजिक बदलाव के कारण इस सभी सजाओं को पूरी तरह से अप्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन इतिहास के पन्नों में अब इनके दर्द की कहानियां मौजूद है, जो ये सबूत देते हैं कि प्राचीन इतिहास में अपराधियों को कतई बख्शा नहीं जाता होगा। आपको इन सजाओं में से कौन सी सजा सबसे दर्दनाक लगी, हमें कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही हमारे चैनल वर्ल्ड रिवील हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।